हे गाइस, आज मैं होली स्पेशल कलरफुल केक बना रही हूँ और एक पंथ दो कार्य भी हो जाएंगे। कल हमारे बेटे का बर्थडे भी है और आज होली है, तो मैं सोची चलो अपने व्यूवर्स के लिए एक होली स्पेशल कलरफुल केक बना दूँ। तो चलिए बनाते हैं आपके साथ होली स्पेशल कलरफुल केक। तो सबसे पहले मैं केक टिन में, ये देखिए केक टिन में मैं ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दी हूँ। इसे मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ। ये देखिए हमारा पैन है छोटा सा, इसी में मैं केक बनाती हूँ। और इसमें मैं नमक डाल दी हूँ और इसमें मैं अपने केक को पहले से पहले मैं आधा कप ये शुगर पाउडर ली हूँ फ्रेंड, और इसमें मैं आधा कप दही भी ली हूँ क्योंकि एगलेस मैं बना रही हूँ इसे। और नेक्स्ट मैं इसमें ये तेल जो है हमारा, ये मैं राइस ब्रांड में बना रही हूँ, तो इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर दी हूँ। और इसे मैं अपने बीटर से लो पर ही बीट कर रही हूँ। चुका है और अब मैं इसमें 1/4 कप ये मैं थोड़ा गर्म तेल करके डाल रही हूँ। ब्रांड में मैं इसे बना रही हूँ। वनीला एसेंस 1 चम्मच, सारे को मैं मिक्स कर दूंगा। इंग्रेडिएंट्स की तरफ आती हूँ, तो उसके लिए 1 कप मैं मैदा ली हूँ और इसमें 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और पिंच सॉल्ट डाली हूँ और इसे मैं सीप कर देती हूँ। तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पाउडर मिल्क भी डाल देती हूँ, इसे भी मैं आधा कप से कम दूध डाली हूँ, ये रूम टेम्परेचर का दूध है उसे मैं डाली हूँ। कर्टन फोल्ड करना है, कर्टन फोल्ड करना है फ्रेंड। अब बीटर नहीं चलानी है इसमें। तो देखिए हमारा बैटर जो है ऑलमोस्ट तैयार है, मैं सारे को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। ये देखिए इसे कलरफुल बनाने के लिए मैं अपने बैटर को 4 भाग में डिवाइड कर दी हूँ और एक में मैं रेड जेल फूड कलर डाली हूँ, ये देखिए, और दूसरे में मैं ब्लू कलर डाली हूँ, ये देखिए, और तीसरे में मैं ग्रीन कलर डाली हूँ, और चौथे में मैं ऑरेंज कलर डाली हूँ। देखिए कितना खूबसूरत कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये देखिए सारे अपने बैटर को मैं कलर मिक्स करके अपने भगोने में, भगोना हमारा गर्म था, इसे मैं केक टिन में डाल दी हूँ। देखिए कितना अच्छा से हुआ है सारा। और ऊपर से मैं बीच में इसमें ये लेमन येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा, इसका कलर नहीं था मेरे पास, तो मैं थोड़ी सी येलो कलर बनाई हूँ, ये देखिए, कर देती हूँ ताकि इसका जितना एयर बबल्स है वो निकल जाए। और इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट तक ढक। गैस में अब मैं व्हिप्ड क्रीम ली हूँ और अब मैं इसे फेंटती हूँ। तो पहले आप इसे कम पे ही फेंटे, लो पे। तो गाइस ये देखिए, ये 5 मिनट मुझे लगा है, मैं एडिट करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें स्टिफ पिक आ गया है और देखिए मैं इसे पलट के दिखाती हूँ। देखिए तो क्रीम हमारा तैयार है, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। देखिए हमारा कलरफुल केक बन चुका है, अब मैं इसे अपने प्लेट में पलट। ब्यूटीफुल हमारा केक बना है। ये तो मैं कम इसका सामान में बनाई हूँ, ज़्यादा मैदा मैंने नहीं ली थी इसलिए मेरा केक पतला बना है, बट बहुत अच्छा बना। और इसके चारों तरफ मैं शुगर सिरप से इसे नहला दे रही हूँ अपने केक को। ये देखिए मेरी क्रस है, ये इसी से इसे बना रही हूँ।
और ऊपर से मैं ये इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ। पहले ये देखिए, ये देखिए हमारा क्रम कोटिंग हो चुका है। अब मैं इसे 10 मिनट फ्रिज में सेट होने रख देती हूँ। गाइस ये देखिए हमारा केक का डेकोरेशन हो रहा है। बहुत गर्मी है जिसके कारण हमारा केक जो है वो मेल्ट हो जा रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ बन जाए, अच्छे से कलरफुल हो जाए। इसे मैं कलरफुल कर दे रही हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारी होली स्पेशल रंग बिरंगी कलरफुल केक खाने को तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट्स ज़रूर दे फ्रेंड कि हमारी ये रंग बिरंगी कलरफुल होली स्पेशल केक आपको कैसी लगी।